नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मिताली जोशी हेल्थ बी वेल्थ बी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलओबी के ऊपर। जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले वादा किया था आपको कि एलओबी के ऊपर मैं ज़रूर से एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, तो आज चलो देख हम एलओबी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एलओबी का बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है। हालांकि ये तो सभी को मालूम होगा कि एलओबी पाने के लिए आपका लेवल एटलीस्ट सिल्वर डायरेक्टर होना चाहिए और आपकी कोई भी डाउनलाइन जो मिनिमम 5625 पीवी करती है इन अ सिंगल मंथ, तब जाके आपको एलओबी वो डाउनलाइन से मिलता है। देखो ये तो बेसिक है और ये बेसिक्स तो सभी को मालूम ही होगा, फिर भी मैंने एक बार रिपीट कर दिया कि आपका लेवल मिनिमम सिल्वर होना चाहिए और जो लाइन से आपको एलओबी लेनी है वो लाइन वो लैग में कम से कम 5625 पीवी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो अभी मैंने एक थोड़ा चार्ट बनाया, हो सकता है दोस्त ये वीडियो शायद आज थोड़ी लंबी हो जाए, बट ये पूरा डिटेल्ड मैंने इसमें बताया है ताकि आपको ज़रा भी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। देखो ये सबसे पहली बार जब हमें एलओबी आया था तो हमारा कुछ मिस कैलकुलेशन हो गया था, तो मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो ध्यान से देखें, एक एक चीज़ बारीकाई से समझ लें ताकि आपका अगर आपने कोई कैलकुलेशन पहले से ही बांध के रखा है अपने माइंड में कि मुझे इतना इतना एलओबी मिल जाएगा, तो उसके पहले एक बार ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए जैसे मैंने के स्लाइड में बताया है कि मान लीजिए कि जून महीने में आपके खुद के 100 पीवी आपने किए हैं, आपका एक लैग है जो ए वाला इसने 6000 पीवी किया है, बी वाला लैग है उसने 2200 पीवी किया है और वो भी एक सिंगल मंथ में किया है और उसने 11% लेवल भी क्रॉस कर दिया और वो आप क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। वैसे ही और एक लैग है आपका सी जिसने 1200 पीवी किया है, उसने भी 11% लेवल क्रॉस कर दिया है। देखो लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने एक के नीचे लिखा है कि वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है और एक के नीचे लिखा है वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। मतलब 5500 पीवी तो हालांकि उसने क्रॉस कर दिया है बट वो ब्रॉन्ज नहीं बना है। देखो चाहता तो मैं एक ही 11% वाला इधर कैलकुलेशन बता देता था, लेकिन ये दोनों इसलिए बताया है क्योंकि आपकी गलती से भी कोई गलती ना हो कैलकुलेशन करने के टाइम में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि मैंने दो दो 11% वाले क्यों रखे हैं इसके अंदर। और मान लीजिए कि और एक लैग है आपका जो डी वाला, उसने 300 पीवी किया है। देखो ये कैलकुलेशन के मैं ये समझ के चलता हूँ कि मई एंड ऑफ द मई मंथ में आप ऑलरेडी ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे, मतलब आप फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज या सिल्वर गोल्ड नहीं बनने जा रहे हो। ये कैलकुलेशन ये है कि मान लीजिए कि आप पहले से ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे, तो अब देखो ये केस में क्या होगा, जून महीने के एंड में आपका लेवल क्या हो जाएगा, गोल्ड डायरेक्टर। क्यों गोल्ड डायरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि आपका ए वाला लैग क्वालिफाइड डायरेक्टर हो चुका है। हम मान के चलते हैं कि मे बी वो सिल्वर डायरेक्टर हो जाएगा क्योंकि उसने 6000 पीवी किया है, मे बी वो गोल्ड भी हो सकता है। हाँ तो अगर वो गोल्ड भी है सिल्वर भी है उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हम मान के चलते कि मतलब आपके दो लैग क्वालिफाइड है, बी वाला और ए वाला, और बाकी के दो लैग आपके नॉन क्वालिफाई है, एक तो 8% पे और एक नॉन क्वालिफाई, मतलब अगर उसके 1200 पीवी, 300 पीवी और आपके खुद के 100 पीवी, मतलब 1600 पीवी। अब गोल्ड के लिए 1500 पीवी साइड में होना जरूरी है क्योंकि ये नॉन क्वालिफाई क्या करके ये 1200 पीवी भी आपके साइड वॉल्यूम में काउंट हो गया। तो 1200, 300, 1500, 1600, दैट मीन्स आपका साइड वॉल्यूम का क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि आपका लेवल हो गया है जून एंड में गोल्ड डायरेक्टर और आपके टोटल पीवी हो जाएंगे, सारे पीवी अगर जोड़ दो तो 9800 पीवी हो जाएगा। देखो यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको मतलब अभी ये तो कंफर्म हो गया कि ए वाले लैग से तो कंफर्म आपको एलओबी आने वाली है, लेकिन टोटल कितनी आपको एलओबी आएगी वो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखो ये स्लाइड को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है, आप पहले ही ये चारों स्लाइड एक साथ में पढ़ के वीडियो मत एंड कर देना क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूँ वो काफ़ी अहम रखता है, अहमियत है उसकी। नहीं तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि ये स्लाइड देख लिया, पूरा पूरा अमाउंट देख लिया और निकल जाएंगे, तो वो आपकी मर्जी है, अगर पूरा वीडियो देखना है तो देखिए, बट मैं जो बताऊंगा वो ध्यान से सुनिएगा कि मैं एक्चुअल में बताना क्या चाहता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट में तो मैंने लिखा है कि जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि आपके इस तरीके से 9800 पीवी हुए, 6000 पीवी आपका एक सिल्वर डायरेक्टर लैग है,
2200 पीवी आपका एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग से आए हैं, 1200 पीवी आपके एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लैग से आए हैं, 300 पीवी 8% वाले लैग से और आपके खुद के 100 पीवी, तो ये सबका टोटल होता है 9800 पीवी। तो देखो ये केस में आपको क्या क्या अर्निंग्स होगी। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, जहाँ पर दो नंबर लिखा है वो देख लीजिए। यू विल गेट द फॉलोइंग, आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो है वो पूरा 9800 पीवी पे मिलेगा। आपको जो ट्रैवल फंड है वो भी पूरा 9800 पीवी का मिलेगा। जहाँ तक बात आती है परफॉर्मेंस बोनस की, तो देखो आपने खुद के जो सेल्फ के 100 पीवी किए उसके पूरे 11% मिलेंगे, और आपका जो 8% वाला लैग है जिसने 300 पीवी किए उसमें से 3% मिलेगा। ऊपर के ए बी सी में से आपको एक भी परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 11% या तो 11% के ऊपर वाले लेवल पे है। तो ये एक बात पहले समझ लीजिए कि आपको बिजनेस बिल्डिंग, ट्रैवल फंड और परफॉर्मेंस बोनस कहाँ कहाँ से मिलेगा। अब आते हैं सी के ऊपर, जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। एलओबी आपको किस तरीके से मिलेगी, देखो मैंने लिखा है कि ए वाला लैग जो है उसमें से 6000 पीवी उसने की है, मे बी वो 7000 पीवी भी किया रहेगा, 8000 पीवी भी किया रहेगा, एक ये टेंटेटिव में बता रहा हूँ। तो जैसे कि अपनी बिजनेस पॉलिसी कहती है बिजनेस प्लान में कि जो आदमी एलओबी लेगा वो ऊपर देगा भी, तो मान लीजिए कि 7000 पीवी किए रहते तो कुछ ज़्यादा बच जाता था, लेकिन ऊपर पास ऑन सिर्फ 5625 पीवी ही हो गए। मतलब ए वाले लैग से कितने भी पीवी आए रहेंगे आपको ऊपर 5625 पीवी पास ऑन हो जाएगा। अब ये केस में क्या होगा कि उसने 6000 पीवी किए हैं, तो ऊपर पास ऑन करने के बाद भी आपको 375 पीवी आपके हाथ में बचेंगे फॉर एलओबी। अब बी वाला जो लैग है जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर था उसने 2200 पीवी किए थे। अब आप बोलोगे सर इसमें जीरो पीवी क्यों लिख दिया है, तो देखो दोस्त यहीं पर हमारी भी एक बार आज से कुछ समय पहले जब हमें फर्स्ट एलओबी आया था तो हमारी भी यही मिस्टेक हो गई थी। हमने डायरेक्टर लैग वाले जो एलओबी लैग तो जो दे रहा था वो दे रहा था, उसके अलावा जो डायरेक्टर लैग थे उसके भी पीवी हमने काउंट कर लिए थे कि इसका भी एलओबी हमें आएगा। बट कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि आपका कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर है और अगर वो 5625 पीवी पे नहीं पहुंचा है तो वो लैग के जो भी पीवी है वो आपको एलओबी में काउंट नहीं होंगे। तो मतलब कि पॉलिसी ये कहती है एलओबी के लिए काउंट कौन से पीवी हो गए, या तो वो लैग 5625 पीवी पे होगा वो वाले लैग के हो गए 5625 या उससे ज़्यादा पीवी पे, या फिर बाकी के जितने लैग जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है जो कि आपका साइड वॉल्यूम है उसका आपको एलओबी मिलेगा। मतलब क्वालिफाइड डायरेक्टर वाला लैग जो 2000 पीवी से लेके 5624 के बीच में है वो पीवी की जितने भी पीवी होंगे उसका एलओबी तो एटलीस्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ बिजनेस बिल्डिंग, ट्रैवल फंड, परफॉर्मेंस जो भी है, मतलब परफॉर्मेंस भी नहीं, मतलब बिजनेस बिल्डिंग और ट्रैवल फंड उसमें से मिलेगा। तब देखो ये केस में क्या हो गया, 6000 में से 5625 माइनस किया तो 375, 11% वाला जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लगते हैं यस उसके 1200 पीवी पे भी आपको एलओबी मिलेगा। आपका 8% वाला लेवल वाला जो लैग था उसके 300 पीवी पे भी आपको एलओबी मिलेगा, और आपने जो सेल्फ 100 पीवी किए हैं उसमें भी आपको एलओबी मिलेगा। मतलब एलओबी आपको टोटल मिलेगा 1975 पीवी पे। देखो टोटल पीवी आपके 9800 थे एग्री, बट ये कैलकुलेशन ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको पूरे के पूरे एलओबी नहीं मिलेंगे। तो क्वालिफाइड डायरेक्टर पीवी के डायरेक्टर लैग के पीवी माइनस करके और 5625 पीवी अपलाइन को माइनस करके आपको मिलेंगे 1975 पीवी के ऊपर एलओबी। अब देख लेते हैं टोटल अर्निंग्स क्या होंगी। जैसे मैंने बताया कि एलओबी पहले 2.40 रुपया हुआ करता था, अब क्योंकि 16% हो गया 15 की जगह पे, तो एक टेंटेटिव मैंने पकड़ा है कि 2.75, मतलब 1975 पे अगर 2.75 देख ले तो 5500 के करीब। बिजनेस बिल्डिंग बोनस जैसे मैंने पहले बताया पूरे के पूरे 9800 पीवी पे मिलेगा। देखो मैंने एक एवरेज 1.5 रुपया पकड़ा है। बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं भाई वीडियो के एंड में कि आपने 1.5 पकड़ा, 1.25 रुपया पकड़ा, 1.25 रुपया पकड़ा। देखो ये एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, आज का ये वीडियो आपको अर्निंग बताने के लिए नहीं बनाई है, सिर्फ आपको ये नॉलेज देने के लिए बनाई गई है कि आपको एलओबी किस तरीके से मिलेगा और कौन से लैग से मिलेगा। तो ये जो भी सारे फिगर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं
एक अंदाज जो आज तक मार्केट में चल रहा है कि शायद ये वैल्यू हो सकती है, ये तो एक रफ आइडिया के लिए ये अमाउंट पकड़ा है। क्लियर पिक्चर जून महीने का जब भी पे आउट आएगा उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी मैंने एक 22 जैसे पकड़ा है, मैं जैसे आपके नीचे कोई सिल्वर डायरेक्टर ले गए तो उसके नीचे भी कोई डायरेक्टर होगा तो उसका 6% 5% मतलब मोटा मोटी मैंने एवरेज एक पकड़ के रखा है कि 1.5 रुपया समझ लीजिए कि पर पीवीबी आपको बच जाता है, तो 14,700 वो हो जाएगा। ट्रैवल फंड अप्रोक्स आप लोग को 3,000, आपके परफॉर्मेंस बोनस जो 8% वाला लैग था उससे 162 रुपीस। देखो यहाँ पर भी एक ख्याल रखिए, जो लोग बोलते हैं ना कि परफॉर्मेंस बोनस कम कर दिया हमको नुकसान हो गया, देखो ये 200-300 पीवी में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस बोनस बनता क्या था अपना, तो ये 200-500 रुपये के चक्कर में है। देखो वो बड़े फिगर के तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस बोनस जैसे मैंने बताया 162 रुपीज़ आपका परफॉर्मेंस बोनस वो लेग से बनेगा, और आपका जो परफॉर्मेंस बोनस जो सेल्फ पीवी है 198 रुपीज़, मतलब अप्रोक्सीमेटली 23,000 के आसपास आपका अर्निंग होगा, मतलब आपका चेक। तो ये वीडियो बस मैंने इसलिए बनाई थी, और मैं फिर से एक बार दोहरा हूँ कि ये जो फिगर्स मैंने लिखे ये टेंटेटिव्स लिखे हैं, ये वीडियो सिर्फ आपको ये नॉलेज देने के लिए बनाई गई थी कि आपको जब आप फर्स्ट टाइम एलओबी ले रहे हो तो आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि मुझे कौन से लैग से एलओबी आएगी, कितनी आएगी, कितनी ऊपर पास ऑन हो जाएगी, और मेरे पास एलओबी पॉइंट्स और कितने हाथ में बचेंगे। तो मेरा मकसद यही था कि एलओबी का परफेक्ट नॉलेज आपके साथ शेयर करूं, और जो लोग पहली बार एलओबी लेने जा रहे हैं उनको अभी से शुभकामनाएं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि ये काफ़ी उपयोगी रहा रहेगा आपको आज का जो मैंने वीडियो बनाया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।